अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर अपना देसी किचन। और एक बार हम आपके लिए फिर से बहुत ही लजीज डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है चिकन काशू हांडी। ये बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में हांडी है और बहुत ही क्विकली रेडी होने वाली डिश है, बहुत ही लजीज बनती है। तो शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमने चिकन लिया है बोनलेस और साथ में हमारे पास ज़ीरा है तकरीबन 2 टेबल स्पून, सिनेमन स्टिक है कुछ 3-4 और 8 से 10 इलायची हैं, छोटी इलायची है, जायफल, और इसके अलावा लौंग है, काले मिर्च है, बड़ी इलायची है और कुछ ये गोल वाली मिर्च है, लाल वाली। साथ ही हमारे पास दही है, दही आपको गाढ़ा लेना चाहिए अगेन, और बहुत ही अच्छा दही होना चाहिए, मीठा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास टमाटो तकरीबन है 3 से 4 टमाटर हमारे पास हैं और 3 से 4 ऑनियन है हमारे पास, फाइनली चॉप्ड हैं ये, और टमाटर भी हमारे ग्राइंड किए हुए हैं। ये छोटी मिर्चें हैं, बारीक काट ली हैं, और ये कुछ लहसुन हैं तकरीबन 8 से 10 लहसुन के क्लोव हैं, उसको हमने चॉप कर लिया फाइनली। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 3 स्पून लहसुन, 3 स्पून अदरक का पेस्ट है, अदरक पेस्ट ज़्यादा ही जाएगा इसमें लहसुन अदरक। ये थोड़े से काशू नट्स हमारे पास तकरीबन 15 से 20 होंगे, 25 होंगे, अगेन फ्राई। और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें आप देखेंगे काली मिर्च है, दखनी मिर्च है, धनिया थोड़ा ज़्यादा है 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, 1 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हैं। साथ ही हमने ऑयल हमारा हीटअप हो चुका है, या इसमें देसी घी ले सकते हैं, ऑयल हमने गर्म कर लिया है अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें काजू डालेंगे अपने जितने भी हैं, और काजू नट्स हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमारे काजू इसमें चले गए, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए और ज़्यादा देर छोड़ना भी नहीं है साहब, बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं काजू। ये देखें इसका कलर कितनी जल्दी चेंज हो गया, बस इसको हम लोगों ने ज़्यादा छोड़ना नहीं है, फटाफट इसको डाल के निकाल लेना है। इसका जो चिकन हमने लिया है वो बोनलेस है, क्यूब्स कटी हैं। ये देखिए इस तरीके से काशू हो गए, और बिल्कुल ड्राई चिकन होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर बिल्कुल भी। ये हमने जो ऑनियन काट के रखी थी 3-4 ऑनियन है, इसको हम इसमें डाल देंगे ऑयल में। ये एकदम डिफरेंट टाइप की डिश है और बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत ही लजीज इसका टेस्ट होता है, और जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होती है अब सेम जैसे रेस्टोरेंट पे आपने खाई होंगी कभी चिकन बोनलेस हांडी। ये देखिए हमने पैन ले लिया है, इसमें हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं उनको हम लोग भूनेंगे थोड़ा सा विदाउट ऑयल, ठीक है, बहुत अच्छे से इनको भूनना है, थोड़े से लाइट ब्राउन ये हो जाएंगे, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। ये देखें इस तरीके से ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हल्की हीट पे आपको, हल्की फ्लेम पे इसको भूनना है। ये देखें इनको भूनने से क्या होता है, इसके अंदर का जो मॉइस्चराइज़र होता है वो सब निकल जाता है, तो एक डिफरेंट टेस्ट आता है आपके डिश में। इस तरीके से हमने भून लिया है, और बाद में इसी में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको थोड़े सा ऑयल में भुनेंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट बस। ये देखें बस लो फ्लेम पे आपको सारा पकाना है। ये हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, और उधर हमारी प्याज भी हो रही है साथ ही, भाई इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट और इसको प्याज में ऐड कर देंगे हम लोग। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, ये हमारी जो प्याज हुई साथ में हो रही थी उसको हम अपने जितने खड़े मसाले थे सब इसमें ऐड कर देंगे। बहुत डिफरेंट टाइप की डिश है ये और बहुत अच्छी बनती है। इसका चिकन भी हम लोग पकाएंगे इस तरीके से कि अंदर तक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर तक मज़ेदार रहेगा। ये हमारे पास जो गार्लिक चॉप गार्लिक था ये हमने इसमें ऐड कर दिया अभी,
थोड़ा सा इसको एक दो मिनट चलाएंगे। इसके बाद हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो इसमें चला जाएगा। देखें, ये सब आपको हाई फ्लेम पर ही करना है। ये देखें, बहुत जल्दी ये हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सॉल्ट है, ये हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं हिमालय का। आप लोग भी वाइट सॉल्ट अवॉइड करा करें, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारे पास टमाटो जो हमने चॉप करके रखे थे वो सारे इसमें डाल देने हैं। ये टमाटो हमारे चॉप हैं, ग्राइंड नहीं है, आप ये देख लेना, ठीक है ना। ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, वो उनका पेस्ट बन जाएगा। ये चॉप्ड है हमारे पास। ये टमाटो होने के बाद हमने इसमें चिकन अपना ऐड कर दिया। चिकन हमारा बिल्कुल ड्राई है, इसमें कुछ भी पानी नहीं है। इसके अंदर पानी होता है तो फिर चिकन आपका पानी छोड़ देता है इसके अंदर, तो फिर टाइम लगता है उसे। ये देखें, ये बहुत ही जल्दी हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया। फटाफट ये डिश बन जाती है, और डिफरेंट टाइप की डिश है, बहुत ही लजीज बनती है। इसको भी आप नान के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारे जितने सूखे मसाले रखे थे ये सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें, हमारे सूखे मसाले सारे इसके अंदर चले गए हैं, और डालते ही हमारा इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देखिए, बहुत ही लजीज खुशबू इसके अंदर से आने लगी है। ये देखें, अभी तो बहुत थिक है इसकी ग्रेवी, और इसकी ग्रेवी थिक ही रहेगी। ये बहुत क्रीमी बनता है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, हमारा ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, बस उसके बाद हमने इसमें दही डाल देना है अपना सारा। ये दही हमारे पास बहुत गाढ़ा है और मीठा दही है। दही अच्छे से हम मिलाएंगे, ये सब हाई फ्लेम पर ही आपको करना है। इसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है, इसको कवर नहीं करना है अभी तक भी। ये देखें, दही भी हमारा हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा दही हो गया। ये हमारी कसूरी मेथी है जिसको हमने हाथ से क्रश कर लिया ऑलरेडी इसमें डालने से पहले। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं कसूरी मेथी। ये डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे लास्ट में काशू नट्स जितने हमारे पास थे फ्राई किए हुए, वो इसमें डाल देंगे। काशू डालने से इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। देखिए, फाइनली हमारी फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं आपके पास हो, या फिर फ्रेश क्रीम ले सकते हैं आप। क्रीम डाल के हम थोड़ा सा इसको बस कवर करेंगे, और हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है। हमारी हरी मिर्च अभी भी बची हुई हैं। ये देखिए, इसका कलर देखें, इसकी थिकनेस देखिए आप। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको कवर कर देंगे 10-15 मिनट, तो हमारा हल्की आंच पर रखकर, तो इसका जितना भी चिकन के अंदर तक इसका जूस जब्स कर लेगा, और टेस्ट इसका चिकन के अंदर तक पहुंच जाएगा। ये देखें, ऑयल हमारा सारा ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में हमने हरी मिर्च डाल देनी है, और एज यूजुअल आपने जो है बारीक अदरक डाल काट के रख लेनी है गार्निशिंग के लिए। चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके। ये देखिए, हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये देखें, इस तरीके से फाइनली हमारे, आप देखिए जितने ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहे हैं, ये सब काशू हैं, और ये हमारी ऊपर से हमने अदरक बारीक काट के डाली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ऐसे ही हमारे चैनल को सहारते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें अपने, और इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी डिशेस देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।